इंडिया गठबंधन की हुई जीत तो राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री, हो गया बड़ा ऐलान, भाजपाइयों में मची अफरा तफरी। बता दें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार 15 मई को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक का प्रधानमंत्री पद का चेहरा होने का संकेत दिया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में राहुल गांधी के लिए वोट मांगते हुए बघेल ने कहा कि यहां के लोग अब देश के प्रधानमंत्री का चुनाव करने जा रहे हैं। रायबरेली के बथुआ खास गांव में एक सार्वजनिक सभा में कांग्रेस नेता ने कहा कि रायबरेली के लोग सिर्फ लोकसभा सदस्य नहीं चुन रहे हैं बल्कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के बाद अब रायबरेली के लोग देश का प्रधानमंत्री चुनने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता रायबरेली में सक्रिय रूप से प्रचार कर रहे हैं, जहां से राहुल गांधी वायनाड में अपनी वर्तमान सीट के अलावा 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता के बड़े दावे पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि यह बयान इंडिया ब्लॉक की रणनीति का हिस्सा है। सपा प्रमुख ने कहा, मैं कुछ भी खुलासा नहीं करूंगा, यह हमारी रणनीति का हिस्सा है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नेशनल डेवलपमेंट एंड पॉलिसी अलायंस इंडिया ब्लॉक गठबंधन के तहत मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। अभी तक लोकसभा चुनाव 2024 जीतने के बाद गठबंधन की सरकार बनने पर इंडिया ब्लॉक ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी पसंद की घोषणा नहीं की है। राहुल गांधी ने पहले कहा था कि विपक्ष का गठबंधन आम चुनाव जीतने के बाद अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर फैसला करेगा। इससे पहले बघेल ने विश्वास जताया था कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली दोनों सीटें बड़े अंतर से जीतेगी। गांधी परिवार का गढ़ रहे रायबरेली का प्रतिनिधित्व 2004 से वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोनिया गांधी कर रही हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी ने भी इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। इस सीट पर लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में 20 मई को मतदान होगा। बघेल ने विश्वास जताया कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अमेठी और रायबरेली दोनों सीटों पर बड़े अंतर से जीत हासिल करेगी।